क्या कर रहे हो नूर मोहम्मद? कौन आ रहा है? चाचू आ रहा है? क्या करने आ रहा है? वो बोलते हैं मैंने भी साथ जाना है। अच्छा, सब बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जो है अभी ये हम जा रहा हूँ, गाड़ी का ना एक टायर जो है वो है छोटा, उसको ना चेंज करवाना है, तो वो चेंज करवाते हैं। फिर जूसर मशीन जो ख़राब हो गई थी क्लेम के लिए दिया है, तो उन्होंने कहा कल मिलेगी, तो कल दे आए थे, आज या नहीं मिलेगी तो वो भी उठाएंगे। और आज बिल, बिजली के बिल की भी आखिरी डेट है, तो उसका भी कुछ करना है, तो बहुत सारे काम हैं। और हम शहर की तरफ जाने वाले हैं। और बख्तावर जो है यहाँ पर पता नहीं क्या कर रही है। बख्तावर पुत्र गली में क्यों खड़ी हो? फिर दुपट्टा भी नहीं पहना, फिर ऐसे खड़ी रहती हो? आपकी मम्मा आपको तमीज़ नहीं सिखाती है? हैदर अली जवाब देता है, तमीज़ नहीं सिखाती है आपकी मम्मा आपको, तमीज़ नहीं सिखाती? बोलता है हाँ जी, तो आप इनको तमीज नहीं सिखाती हैं? तमीज सिखाती हूँ। ज़ैनब साइकिल चला रही है ना, तो बारी बारी जो है चला रही है साइकिल। अच्छा, साइकिल ज़ैनब साइकिल चला लेती हो? वो तो मुझे पता है, उस दिन मैंने ना देखा था कि आप कैसे चलाती हैं। और बख्तावर भी चलाती है, आप ना बारी बारी चलाया करो। बख्तावर एक बार ये चलाए, ये गुड़िया चलाए एक बार, फिर दूसरी बार आप गुड़िया रानी चलाओ, फिर हैदर अली को भी चक लो। हाँ। चक लो पीछे हैदर अली नू। हैदर अली सोना हैदर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप रोज ऐसे ही बोलती हैं, मुस्कुराते रहे। हाँ, ऐसे सलाम जाती है ना, तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बोले ना वेलकम टू दी अदर व्लॉग। वेलकम टू दी अदर व्लॉग, जबरदस्त जबरदस्त। शाम का फर्स्ट व्लॉग नहीं, हमारी इवनिंग रूटीन, ऐसे कहो हमारी इवनिंग रूटीन, हमारी इवनिंग रूटीन। चलें जी मुखले साहब, हाँ जी चलिए आ जाएं। तो हम जा रहे हैं शहर, आपने सुन तो लिया होगा, गाड़ी का टायर चेंज करवाना है, मशीन भी ले आनी है, और बिजली के बिल का भी कुछ करना है। हाँ जी। तो इसलिए हम जा रहा हूँ, तो मिलेंगे इंशाल्लाह वापस आके, हो सकता है लेट भी हो जाए, तो बहन भाइयों से बस सफर शफर शेयर करके ना बस फेंक दूंगा इंशाल्लाह। ओ, आ रही है गाड़ी, थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। क्या देख रहा है सड़क की छोकरा? आज आपकी पुरानी याद आ गई है सड़क की छोकरे वाली। गाड़ी जो है ना, आपको पता है कि जैसे रुकी खड़ी है। हाँ जी, तो अब हम चले जाएं दूसरे फाटक से या वेट करें? नहीं, देख लें वेट कर लें, क्योंकि वो साइड पे आ रही है ना, तो वो भी बंद हो गया। हाँ जी, फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी खड़े हैं फाटक पे, गाड़ी बहुत दूर है, महसूस ऐसा हो रहा है कि गाड़ी रुकी खड़ी है, लेकिन हम भी रुके खड़े हैं, क्या कर सकते हैं, सरकारी माल है, अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो फिर मसला ख़राब हो जाता है, और हमारा काम भी नहीं है ना ये वाला। हाँ जी, तो जो न्यू आए हैं हमारे चैनल को खा लें जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। शुक्र है गाड़ी आ गई है। बिस्मिल्लाह, चाय आ चुकी है जी, और शहर में मौजूद हैं,
ये रही हमारी गाड़ी। और अभी जो है ना इसका जो आगे वाले टायर है ना ये इन नंबरों के जो है ना मिल नहीं रहे पीछे वाले, क्योंकि पीछे वाले जो हैं वो और नंबर के हैं, आगे वाले और नंबर के हैं। तो जैसे आगे वाले नंबर के हैं वो ढूंढ रहे हैं, अभी मिल नहीं रहे। ऐसे नहीं तो चारे टायर तब्दील करना पड़ते हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 मंथ बाद ना चारे टायर जो हैं वो न्यू डलवा लेंगे। तो अभी जो है गुजारा करने के लिए सिर्फ पिछले जो दो है ना इनको चेंज करने वाले हैं। चाय पी रहे हैं, अगर किसी ने चाय पीनी है तो आके पी सकते हैं। अहमद भाई भी पी रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। नहीं आपकी भी उतनी ही है, ये देखें बराबर करें ना। फिर प्याले मेरे बड़ा है ये, नहीं एक जैसे हैं। तो ये है जी हमारा शाम वाला व्लॉग, देखें गाड़ियां चल रही हैं। यार बहन भाई और टायर तो डलवा लिए हैं, अब अलाइनमेंट हो रही है। और आज मेहरान भी हमारे साथ था, कैसे हो मेहरान साहब? तबीयत सही है? हाँ जी। अच्छा तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। भूख लग रही है? हाँ जी। खाया पिया कुछ नहीं? केले खाए। और क्या खाया? और वो टिक्की। किस चीज की थी ये आपको पता? आपको नहीं पता? नहीं। वो कीमे की टिक्की थी। कीमा खाया है? सही है, चटनी के साथ? हाँ जी। अच्छा उसके बाद जो है केले भी खाए हैं? अब घर चल के खाना खाएंगे, ठीक है? तो अभी अलाइनमेंट करवा के फिर निकलेंगे घर। अभी हमारा कज़न भी हमारे साथ है और उसको भी घर ही ले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 बजने वाले हैं। तो दुकानें तो हो गई बंद, फिर उसकी दुकान भी बंद हो गई। अब फिर सुबह उसको फिर ले आएंगे, और भी कुछ काम होगा ना, बहुत सारे काम होते हैं ना।